दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में प्यार और करियर का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर बीच में छोड़ के चले गए ना दोस्त, तो शायद आप समझ नहीं पाओगे। ये जो 16 से 25 साल की उम्र होती है ना, इसमें दो चीजें सभी के लाइफ में लगभग सेम होती है, पहला करियर और दूसरा प्यार। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, कई बार कपल्स के सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें उन्हें प्यार और करियर में किसी एक को चुनना पड़ता है। यह सच में काफी मुश्किल समय होता है, क्योंकि प्यार और करियर दोनों ही जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन बात अगर किसी एक को चुनने की आती है ना, तो यह हमें समझदारी से फैसला लेना होता है। दोस्तों, प्यार और करियर दोनों में क्या सही है और क्या गलत है, हमें किसे चुनना चाहिए, हम आपको कुछ ऐसे तरीकों का सुझाव देंगे जिससे प्यार और करियर के बीच सही फैसला ले पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर वन, अपने पार्टनर से बात करें। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको अपने प्यार और करियर में किसी एक को चुनना पड़े, तो सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करें। जो भी आपके मन में चल रहा है उसे खुलकर बताएं। इस दुनिया में हर एक प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होता है, इसलिए इस प्रॉब्लम्स का भी आप दोनों को मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, तो आप दोनों इस सिचुएशन को समझते हुए कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पार्टनर से बात करना चाहिए। नंबर टू, अपने परिवार और दोस्तों से सलाह लें। आपके माँ बाप आपको आपसे भी बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें जिंदगी का अनुभव भी आपसे ज़्यादा है, इसलिए इस मामले में वे आपको सही सलाह दे पाएंगे। अगर आप अपने परिवार से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो आप अपने उन खास दोस्तों से बात करें जो आपको समझते हैं और आपके हालात को जानते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि आपके लिए इस समय क्या जरूरी है। इसलिए किसी भी एक साइड फैसला लेने से पहले अपने परिवार और दोस्तों से जरूर सलाह लें। नंबर थ्री, कुछ हट के सोचें। अगर आप वास्तव में देखें तो आपको प्यार या करियर में किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं होती है, आपके पास दोनों हो सकते हैं। यह आपको देखना होगा कि अभी इस वक्त आपके लिए क्या जरूरी है और उस पर आपको फोकस करना है। आप अपने काम और प्यार को एक साथ लेके चल सकते हैं, यह इतना आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस अपने दिमाग को खुला रखें और हटकर सोचें। हो सकता है अपने करियर को बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़े। ऐसे में अपने पार्टनर को समझाएं और एक बार सब सही होने के बाद आपके पास प्यार और करियर दोनों होंगे। दोस्तों, नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए करियर जरूरी होता है, लेकिन अपनी जिंदगी में खुश रहने और उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए रिश्तों का मजबूत होना जरूरी है। जिस इंसान के पास एक अच्छा करियर और सही लाइफ पार्टनर हो, वह अपने जीवन में वास्तव में खुश रहता है। इसलिए प्यार और करियर में से किसी एक को चुनने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला लें। दोस्तों, आप यहां से जाकर सफल होने का कोई नया नुस्खा मत ढूंढना, क्योंकि बिना करियर बनाए जीवन में सब चीज के लिए तरसते रह जाओगे। अगर आप गरीब हो या आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली है, तो भविष्य में सब कुछ खत्म होने के बाद, जब ना आपके पास करियर होगा, ना आपके पास परिवार होगा, ना प्यार होगा, तो इस वीडियो को जरूर याद करोगे कि उसने सही कहा था। दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और यह वीडियो उन दोस्तों तक शेयर करना जो आंख बंद करके जीवन जी रहे हैं। अगर ऐसी बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।